वही रहना पोजीशन मेरे, लुक दे। ये लोगों को हटा देते, एक वो भी ले लेते बाद में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर आदमी अपने आप को ढूंढता रहता है। ये एक प्रोसेस होता है कि मैं क्या हूँ, क्या करना चाहता हूँ। मैं एक टाइम पे जब मैंने मेरी ज़िंदगी शुरू की थी, मैं 15-16 साल का था, तो एक ही ड्रीम हुआ करता था कि मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। तो और कोई ड्रीम, कोई सपना हुआ ही नहीं करता था। तो ऐसा लगता था यार पैसे हो ज़िंदगी में तो क्या मज़ेदार बात है, पैसे आ गए ज़िंदगी में, आपने पैसे कमा लिए। अभी पैसे जब आपने कमा लिए तो एक विचार आ जाता है आपको, क्योंकि ये सब एक स्टेप होता है कि आपने पैसे कमा लिए तो भी आप सोचने लगे यार पैसे तो आ गए, अभी पैसे क्या है, एक फिगर है, एक नंबर है कि इस शहर में रहो तो इतने पैसे बहुत हैं, इस शहर में रहो तो इतने पैसे बहुत हैं, और बम्बई में रहो तो इतने पैसे बहुत हैं। उसके बाद तो एक नंबर है कि मेरे बैंक में ये नंबर है, मेरे बैंक में ये नंबर है। आप कहीं बढ़ नहीं रहे हो आगे, ज़िंदगी रुक जाती है और मज़ा नहीं आता। और जब आप एक गेम समझ जाते हो कि ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, तो फिर आपको लगता है इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या नई बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वो हो रहा कि मेरी ज़िंदगी रुक गई, मैंने पैसे कमाए, मुझे मज़ा आना बंद हो गया कि पैसों में मुझे मज़ा नहीं आता था, मुझे कुछ अलग करना था। हाँ, कैरेक्टर में रहे। जब आप इस प्रकार की फिल्म में विश्वास रखते हैं और इस प्रकार की फिल्म के साथ जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आइडिया ये होता है कि कल्चर और आर्ट में इन्वेस्ट करने जैसा होता है। और उसमें ये होता है कि बर्गर जैसा नहीं है कि अभी खाया और अभी मज़ा आ गया, कि अभी आपने पैसे डाले और 3 महीने बाद आपको पैसे मिल गए। ऐसा विचार नहीं था, बहुत छोटा विचार नहीं था, कहीं ना कहीं एक लंबा विचार था। और उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि पैसों के बदले में पैसे ही आए, हो सकता है कि कुछ और आए, कि हो सकता है कि एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन आए आपको कि हाँ यार कि मैं थोड़ा सा बदलाव ला पाया। रोलिंग 4.20 3x1 क्लैप एक्शन। जब मैं सोच चुका था कि मुझे इस तरह की फिल्म प्रोड्यूस करनी है, इस बात के साथ राज़ी था मैं, उसके बावजूद जब कॉस्ट्यूम की बात आई, मेरे कैरेक्टर की बात आई कि उसमें एक चश्मा पहनना है आपको, गोल्डन घड़ी पहननी है, गोल्डन चैन पहननी है, और तो जब आनंद ने मुझे बताया मैं बहुत कम खुश था। मुझे ऐसा लगता था कि ये एक स्टॉक ब्रोकर जीन और टी शर्ट क्यों नहीं पहन सकता। तो वो इतना समझने के बावजूद एक वो ख्याल होता है आपकी, क्योंकि उस ख्याल के साथ आप जी होते हो कि मुझे खूबसूरत दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे हैंडसम दिखना है। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं मॉडल बनने तो नहीं आया हूँ, मुझे बनना तो एक्टर ही है। और एक्टर के लिए खास बात ये है कि वो अलग दिखे, कुछ अलग करे। इंतज़ार कर लेंगे। एक सेकंड, जब भी मैं शिप ऑफ थीसियस के कॉस्ट्यूम पहनता था तो वो कॉस्ट्यूम इस प्रकार के थे, वो चश्मा इस प्रकार का था कि वो ऑटोमेटिक आदमी थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ और उस रोल में चला जाता है। मेरी कंटिन्यूटी नहीं है, ऐसे रख सकता हूँ? हाँ रख सकता है, रख सकता है। रोलिंग। कॉस्ट्यूम मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही मेन रोल अदा करते हैं आपको उस कैरेक्टर की तरफ ले जाने में, उसका माइंडसेट पकड़ने में, कि आप क्या कपड़े पहनते हो उसका बहुत ही प्रभाव रहता है मुझे लगता है। शुरू ये ऐसे हुआ था कि आनंद मुझे कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला और उसने मुझे अपनी शॉर्ट फिल्म दिखाई राइट हियर राइट नाउ, मुझे बहुत पसंद आई, मुझे लगा कि यार क्या फिल्म है। उसमें सिंपल सी बात है कि अगर आप खुशी देते हो तो खुशी आगे जाती है और अगर आप दुख देते हो तो दुख आगे जाता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। और आनंद ने मुझे 4-5 कहानियाँ सुनाई उस समय जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर हम दोस्त बन गए। और एक पॉइंट पर आनंद ने बोला कि तुम ऑडिशन क्यों नहीं करते फिल्म के लिए, तो मैंने ऑडिशन किया और उसने हाँ कह दिया। पर कुछ शुरू नहीं हो रहा था तो मुझे कुछ दिनों के बाद महसूस हुआ कि यार ये फिल्म तो बनने नहीं वाली, ये इतनी अच्छी फिल्म है ये बन क्यों नहीं रही। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे प्रोड्यूसर के रूप में ऑन बोर्ड आ जाना चाहिए, और मैंने उन लोगों को कहा कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, क्योंकि आनंद उस समय कोशिश कर रहा था कुछ लोगों के पास जाने की, तो लोग बोलते थे कि इसका नाम शिप ऑफ थीसिस क्यों है, इसमें इतनी सारी भाषाएँ क्यों हैं, इसमें आइटम सॉन्ग क्यों नहीं है, इसमें उस लड़की को क्यों नहीं ले लेते, तो कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि मैंने आनंद को कहा कि तुम्हें जो बनाना है बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए तुम वो बनाओ। रोलिंग।
पूरी फिल्म के दौरान ऐसा हुआ था कि हम बातें बहुत करते थे, तो जो आनंद और मेरा तरीका रहा वो यही रहा कि हम बहुत सारी बातें करते थे और सिर्फ फिल्म की बातें नहीं करते थे, बहुत इधर उधर की बहुत सारी बातें करते थे। उस बातें उन बातों में कहीं ना कहीं वो आप कैरेक्टर ढूंढ लेते हो कि ये कैरेक्टर है, तो वो एक बार आपका आपको वो माइंडसेट पकड़ में आ जाए कि ये आदमी ऐसे सोचता है, ये आदमी ऐसा एक ऐसा ढांचा बन जाए, जो कि बहुत धीरे धीरे बनता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं कि आप कैसे चलते हो, कैमरा कहाँ है, कैमरा आपके आगे है या पीछे है, आप कैसे बोलोगे। दो तीन मिनट में कोई नहीं आने वाला, कम से कम आधा घंटा लगेगा। जब आप इतना कुछ समझती हैं तो शर्म क्यों करती हैं? जो मेरा को एक्टर था समीर खुराना, वो रियल लाइफ में मेरा दोस्त है और हम बहुत खास दोस्त हैं। वो बहुत इम्प्रोवाइज़ करता था कि वो कुछ भी बोल देता था, कहीं भी बोल देता था, उसको कोई प्रेशर नहीं था कि मैं शूट कर रहा हूँ, वो तो जाके ऐसे खड़ा हो जाता था। तो जैसे कि उसमें वो जो सीन है जहाँ कि हम लोग जा रहे हैं और वो चादर से मुँह पोंछ लेता है, वो वास्तव में गर्मी बहुत थी, हम थक गए थे, तो मनु थक गया और उसने ऐसा मुँह पोंछा, और बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन उसने की कि शंकर तो सीलिंग पे रहता है आजकल, अमीर हो गया है। मुन्नो बीइंग मैकेनिक एज वेल एज एक्टर। अरे पीने के बाद में पहले इसको दे दे। मेरा एक को एक्टर था रुपेश, जो स्वीडन में है। जब हम स्वीडन गए तो हमें लगता था कि रुपेश को तो स्वीडिश आती होगी, रुपेश वहाँ रहता है, तो क्योंकि वो सीन बड़ा अलग प्रकार का था कि मैं कुछ बोलता हूँ, वो ट्रांसलेट करके उसको बोलता है, तो वो रुपेश लाइनें बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो उसको आधी अधूरी आती थी। तो फिर हमने एक दिन का ब्रेक लिया और रुपेश ने अच्छे से याद किया और फिर वो सीन हो पाया। मैं बनता नहीं था, ये तो खा दिया हमने। मैं बनता तो एक मिनट मैं बनता मैं बनता यस फॉर एन मिनट एट फोर क्लॉक हां जॉब स्लेप इन हियर इन इट हूस वेदु देन मैनन कम इन फॉर एट योरा एन अपेंडिक्स ऑपरेशन। एक अलग प्रकार का विश्वास था फिल्म को लेकर, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, एक ड्रीम था कि एक सपने जैसा था, या एक वेगली आपको पता था कि यार कुछ तो होगा क्योंकि आप इतना मजबूत प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो छुप जाएगा, खो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा और ये फिल्म कहीं ना कहीं अपनी अपना रास्ता ढूंढ लेगी, या कोई ना कोई आएगा जो इस फिल्म के साथ जुड़ेगा, कुछ लोग होंगे हिंदुस्तान में जो इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता था। इससे ज़्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं था। और हमारी फिल्म जब बनी और उसके बाद फेस्टिवल्स में जा रही थी, और उसी दौरान हमें किरण ने कहीं फिल्म देखी और वो ऑन बोर्ड आ गई, वो तीन चार मीटिंग हुई उनसे और उन्होंने कहा कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ उस फिल्म के लिए। तो फिर हमने सोचा कि आप प्रेजेंट कर सकती हो उस फिल्म को, कि ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुंच पाएगी अगर आप होंगे। तो किरण के आने से फिर ये हुआ कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाई फिल्म, ज़्यादा लोगों ने देखी फिल्म। पर हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हम ये करेंगे या उसके पास जाएंगे, हमने वो सोच के फिल्म बनाई नहीं थी। हमने तो कहा हम पहले फिल्म बनाते हैं फिर देखेंगे कि क्या होगा। ओके सो हम ऑफ कर दो एंड एक्शन।